नमस्कार, हरिभूमि के इस राजनीतिक प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अशोक तंवर की, एक युवा तुर्क नेता जिनकी कभी कांग्रेस में तूती बोला करती थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि उन्होंने पार्टी छोड़ना ही उचित समझा। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए और अंततः भारतीय जनता पार्टी को ठिकाना बना लिया। महज 54 दिन पहले पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सिरसा लोकसभा का टिकट थमा दिया। युवा अशोक तंवर टिकट तो ले आए, लेकिन समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहली समस्या उनके सामने, भाजपाइयों को इस बात के लिए राजी करना था कि वो भी अब भाजपाई हैं। दूसरी उनकी बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा से उनकी तनातनी जग जाहिर है। गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं, उनके भाई गोविंद कांडा रतिया से चुनाव लड़ चुके हैं और एलनाबाद से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इनका झगड़ा सिरसा से फतेहाबाद की रतिया सीट से शुरू हुआ था, जो लगातार बढ़ता चला गया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ये भूपेंद्र हुड्डा का मंच केवल इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वहां गोपाल कांडा मौजूद थे। अब अशोक तंवर सिरसा से भाजपा के उम्मीदवार हैं, गोपाल कांडा सिरसा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। गोपाल कांडा लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अशोक तंवर को नीचा दिखाया जाए, अशोक तंवर की नैया को मझधार में डाला जाए। बीच में से चर्चा यह भी आई कि गोपाल कांडा व इंडियन नेशनल लोकदल में समझौता हो सकता है, लेकिन किसी ने पुष्टि नहीं की। अशोक तंवर लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह भाजपा कैडर को अपने साथ जोड़ा जाए। एक समस्या फतेहाबाद में भी है, फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम भी खुल करके अशोक तंवर का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि वो ऊपरी मन से उनके साथ हैं, लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि खुल करके समर्थन नहीं है। इसीलिए अशोक तंवर लगातार मेल मिलाप में लगे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। एक चर्चा यह भी है कि कुमारी शैलजा वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर शैलजा सिरसा की बजाय अंबाला के मैदान में उतरती हैं तो चरणानंद सिंह रोडी व जरनैल सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। चरण सिंह रोडी पहले भी सांसद रह चुके हैं, अगर वो इस बार चुनाव में उतरते हैं तो अशोक तंवर के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अशोक तंवर के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ व शिक्षाविद धर्मवीर, सिरसा की राजनीति को गहरे से समझने वाले महावीर गोदारा, फतेहाबाद से सुरेंद्र असीजा व नरवाना सीट की जानकारी देने के लिए सत्येंद्र पंडित। गोदारा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, अशोक तंवर टिकट तो ले आए, लेकिन हालात क्या हैं इस समय, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि अशोक तंवर वहां भंवर में फंसे हुए हैं, हालात विकट हो सकता है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल पंडित जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जो आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ा तेजी से घूम रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का मानना है, जो राजनीतिक गलियारों में ये चीज चल रही है कि अशोक तंवर ने 54 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाप कर टिकट में तो बाजी मार ली जी। लेकिन वो लोकसभा में इंटर हो पाती है नहीं, ये बड़ा चर्चा का विषय है। अशोक तंवर जब से सिरसा में आए हैं टिकट मिलने के बाद, अभी तक पंडित जी कोई भाजपा का जो बड़ा नेता है स्थानीय, वो उनके साथ अभी तक नहीं चला है। केडर भी है जो भाजपा के स्थानीय नेता ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं है जी। जी, उनका उनका बड़ा सीधा सवाल होता है कि अगर मोदी जी के नाम पर वोट मिलने थे तो फिर कांग्रेस से लिया हुआ या और भी बड़े चेहरे, सुनीता दुग्गल में क्या दिक्कत थी अगर मोदी जी के नाम पर वोट लेने हैं तो कुल मिला के पंडित तक अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता है, उनके साथ मान मनोवल में या चाय के बहाने में अभी तक उन्हीं को मनाने में जुटे हुए हैं जी। धर्मवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुमारी शैलजा दो जगह से उम्मीदवार मानी जा रही है, सरसा से और अंबाला से, तो आपको क्या लगता है कुमारी शैलजा सरसा में जाती हैं तो हालात क्या बन सकते हैं? देखिए पंडित जी,
कुमारी शैलजा कांग्रेस की एक पावर नेता है और दलित समुदाय में देखे तो हरियाणा में के मुकाबले का कोई उसका कोई हिस्सा नहीं जी। तो अगर कुमारी शैलजा अम्बाला या सिरसा दोनों लोकसभा में से अगर कहीं भी चुनाव लड़ती है तो नो डाउट वो अपने जो है प्रतिद्वंदी एक कड़ी टक्कर जो है वो देती है। और सिरसा में क्योंकि वो सिरसा से ऑलरेडी सांसद रह चुकी है, यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, उनका एक जो है एक पारिवारिक एक उनके जो जड़े हैं वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। तो जो है सिरसा में तो अम्बाला के मुकाबले मुझे लगता है कि जो कुमारी शैलजा का जो व्यक्तिगत वोट बैंक है वो सिरसा में ज्यादा है जी। गोदरा जी आपको लग रहा कि तो इसलिए जी जी धर्मेंद्र जी 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 पंडित जी 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 बताइए। नहीं नहीं आप नहीं तो इसीलिए मुझे था क्या कि अगर कुमारी शैलजा सिरसा में हाँ आप गुदारे जी सवाल कीजिए कंटिन्यू। नहीं नहीं आप सवाल कीजिए कंटिन्यू। नहीं नहीं आप जो है गोदारा जी मैं आपसे बीच में कट गई बात क्योंकि डिस्टर्बेंस थी इसकी वजह। कांडा ब्रदर्स में और अशोक तंवर में 36 का आंकड़ा रहा है लंबे समय से, उनकी लंबे समय से तनातनी जग जाहिर है। कांडा का अच्छा प्रभाव माना जाता है, उनके भाई एलनाबाद और रानिया से दो जगह से चुनाव लड़ चुके हैं जबकि गोपाल कांडा खुद सिरसा से विधायक हैं। तो ऐसी भी चर्चाएं आई थी कि कांडा कुछ अलग कर सकते हैं तो अशोक तंवर के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, जब गोपाल कांडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री थे तो उस समय रतिया उपचुनाव था जी और उस समय अशोक तंवर और गोविंद कांडा उनके छोटे भाई है गोपाल कांडा के आजकल भारतीय जनता पार्टी में, उनके बीच काफी कहा सुनी हुई थी। जी यही नहीं, जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ सिरसा में अग्रवाल धर्मशाला का उद्घाटन करने आए थे तो उस टाइम अशोक तंवर बीच कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे जी तो कांडा बंधुओं और अशोक तंवर के बीच 36 का आंकड़ा है और उस 36 का आंकड़ा पिछले दिनों उसका परिणति देखने के मिली थी जब हरियाणा लोक हित पार्टी के जिला अध्यक्ष ने यह कहकर अशोक तंवर को सकते में डाल दिया था कि हलोपा की INLD से बातचीत चल रही है जी। और उसके बाद सिरसा के जो शासी समीकरण है वो एकदम करवट लेते दिखाई दिए। और अब राजनीतिक जो पर्यवेक्षक है या आपने जो सवाल किया वो ये है कि अब कांडा बंधु क्या गुल खिलाएंगे जी जी और ये दूसरा जी 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 बताइए। मैं और जोड़ना चाहूंगा जो मेरे से पहले साथी ने सवाल किया, आज अशोक तंवर और कुमारी शैलजा की दोनों की जो पोजीशन है राजनीतिक वो विपरीत है। जब अशोक तंवर पहली बार सिरसा में लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे जब उनके साथ दो बड़े घरानों का तकमा लगा हुआ था, भाई वो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी है, पंडित पूर्व राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा के उनकी दोती उनका तंवर है, तो अब इसकी स्थिति विपरीत है। आज जो कुमारी शैलजा है वो मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार भी है, सिरसा का वोटर है, उनको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख रहा है। तो इस कारण अगर कुमारी सिरसा में आती है तो अशोक तंवर की जो नैया है वो मुश्किल में फंस जाएगी। जी 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 असिया जी, ये सारा घटनाक्रम जो कांडा ब्रदर्स और तंवर में हुआ था वो आपके रतिया में हुआ था, अब अशोक जी सर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके यहाँ जोड़ाराम है, जोड़ाराम कितना सहयोग कर रहे हैं ऐसा चर्चा में आए कि उनके भी रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं अभी तक तो? बिल्कुल पंडित जी, जैसे गुदारा जी ने कहा कि इनका रतिया उपचुनाव में काफी विवाद रहा है कांडा जी और इनका अपना अशोक तंवर में। अभी जो पिछले दिनों ये चर्चा में आए थे कि हम इनेलो के साथ जा रहे हैं, जिसके बाद अशोक तंवर की एक बार नाव बीच में लटकती नजर आ रही है। असल में अभी तक एक ही पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, कांग्रेस से अगर शैलजा आती है तो फिर अशोक तंवर के लिए कोई जीतना आम बात नहीं है, बहुत ही टफ मुकाबला रहेगा और शैलजा के चांस ज्यादा बताए जा रहे हैं। अभी किसी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किए लेकिन यहाँ बाकी जो रहे हैं फतेहाबाद के विधायक भी कोई दिल से नजर नहीं आ रहे इनके साथ,
असल में तबर के यहाँ फतेहाबाद विधानसभा में 2000 वोट पड़ते हैं जी, उसको चक्कर में विधायक जोड़ा उनके साथ थोड़ा सा लग रहे हैं कि वो विधानसभा में 2000 वोट उनसे ले सके जी। धर्मवीर जी मैं आपसे बाकी अशोक तवर के जो पुराने वर्कर थे उनसे भी लोग नाराज हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे फिर भाजपा से फिर कांग्रेस में अब अशोक तवर के साथ हैं, उनसे लोग खासे नाराज हैं, उनकी कार्यप्रणाली से काफी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, कोई भी खुलकर अशोक तवर का नाम लेने को तैयार ही नहीं है। जी धर्मवीर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सत्ता की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, तो कैसे हालात हैं? अशोक तवर ले आए हैं उधर कांडा ब्रदर्स विरोध की खुलकर के विरोध भी करने की तैयारी में, उधर से फतेहाबाद के विधायक भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे नैया पार होगी? देखिए पंडित जी, सिरसा की राजनीति में आज की तारीख में कांडा बंधुओं का एक ठीक ठाक प्रेजेंस है, और मुझे लगता है कि कांडा बंधु जो है वो एक अपने एक कांडा परिवार को एक राजनीतिक तौर पे जो है स्थापित करना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने किसी कांग्रेस या फिर किसी भाजपा में शामिल होने की बजाय अपनी अलग स्वतंत्र पार्टी बनाई। जब छोटी छोटी पार्टियों का विलय का दौर चल रहा है और ऐसे में वो एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पे एनडीए में शामिल होने में करने के लिए उस स्वतंत्र अस्तित्व को बढ़ाए रखने करें कि जिनसे उनकी एक अहमियत बनी रहे। खासकर रानिया उपचुनाव, एलना उपचुनाव में जो है गोविंद कांडा एक ठीक ठाक जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे भी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भी जो है उन्होंने ठीक वोट हासिल किए, जिससे सिरसा की राजनीति में उनकी अपनी एक पहचान बनी है। सिरसा शहर में गोपाल कांडा जो है वो जीतते भी रहे हैं और उनका एक अच्छा रसूख है, तो ऐसे में अगर कांडा बंधु जैसे की चर्चा चल रही है कि वो अशोक तंवर का खेल बिगाड़ सकते हैं, अगर उन्होंने एनएलडी के साथ गठबंधन किया, जिसकी संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पे कम लगती है कि वो एनडीए से बाहर जाके किसी ऐसी पार्टी का के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन राजनीति में अपनी एक वो कहते हैं ना कि पुरानी थुंदक निकालने के लिए किसी से या फिर जो है अपनी अपना एक अस्तित्व दिखाने के लिए वो मुझे लगता है कि अशोक तंवर को भीतरघात के तौर पर एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर अशोक तंवर के सामने कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी दिया तो वो जो अशोक तंवर की अगर जीत का मार्जिन, क्योंकि जैसे मोदी लहर का एक बोल रहे हैं कि भाई 400 पार का नारा दिया है और बहुत बार लहर में जो है कमजोर कैंडिडेट भी जो है वो पार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर अशोक तंवर की जीत की कुछ संभावनाएं होगी तो इस तरह के जो बड़ी राजनीतिक हस्ती किसी एरिया विशेष में अगर कोई इस तरह का खेल करती है तो वो मुझे लगता है जैसे बिहार में वो खेला होने वाला जो बात चली थी तो वो सिरसा में भी शायद वैसा खेला जो है गोपाल जो कांडा बंधु जो है वो कर सकते हैं, तो इसलिए अशोक तंवर को लिए इतना कुछ, क्योंकि सब कुछ अगर मोदी लहर पे ये जो तैरने वाली बात है वो मुझे लगता है ये तीसरा इलेक्शन है, तो इसलिए इतना अगर कोई सिर्फ ये है कि भाई मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, मुझे लगता है जो क्षेत्रीय समीकरण है वो बहुत कुछ निर्धारित करेंगे इलेक्शन में, और खासकर क्योंकि ये कैंडिडेट अभी ताजा ताजा किसी दूसरी पार्टी से आया है, और क्योंकि पहले वो कांग्रेस से फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई फिर आम आदमी पार्टी में चले गए फिर बीजेपी में आए, तो इस तरह से आदमी का क्योंकि एक राजनीतिक रसूख तो मुझे लगता है कि घटता है, क्योंकि एक लोगों में उसकी जो एक रिलायबिलिटी होती है वो कम होती है कि ये कहीं टिकने वाला नहीं है, और नई जगह सिर्फ एक मोदी लहर के नाम पे मुझे लगता है कि अशोक तंवर को उसके भरोसे भी बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और ये जो जो समीकरण बिगड़ने की जो एक उम्मीद है इनको मैनेज करना चाहिए, नहीं तो उनके लिए मुश्किल होगा सिरसा का मैदान। जी 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 स्तेंद्र नरवाना की अहम भूमिका है सिरसा लोकसभा सीट पर, नरवाना अपना एक अलग पहचान रखता है, नरवाना हार जीत तय करता है, तो नरवाना में क्या हवा है? सर पहली बात तो अगर हम सिरसा लोकसभा का इतिहास देखें तो अब तक ये 14 चुनाव हो चुके हैं जिसमें 8 बार कांग्रेस जीती है जी। और खास बात ये भी है कि 4 बार दलबीर सिंह और 2 बार कुमारी शैलजा ये यहाँ से सांसद रह चुकी जी। और सर पहले जो चुनाव यहाँ पर असर नहीं है, इसकी वजह है जो पंजाब बैंक लगती है उसके साथ किसान अब भी धरने पे बैठे हुए हैं जी, और पीछे पंचायतों में भी पंचायतों ने भी विरोध किया था, तो अशोक तंवर की यहाँ से दाल गलने वाली नहीं है।
एक दूसरा और है सर, अगर एससी कम्युनिटी के अंदर जाए तो जी एक कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व उसमें देखा जा रहा, तो दूसरी कम्युनिटी ऑटोमेटिक इसमें चली गई। अगर इसका पास्ट का इतिहास देखें, ठीक है, दुग्गल सुनीता दुग्गल थी जी उस दौरान पिछले चुनाव में, अशोक तंवर थे, इनको 50,000 से, जी 50,000 वोटों से अशोक तंवर को हराया था। मगर जी विधानसभा के अंदर रिजर्व है, जी विधानसभा रिजर्व है, उसमें भी बीजेपी प्रत्याशी को जी 50,000 वोटों से हराया गया था। हाँ तो जैसे सर कि मेरे हिसाब से अगर कुमारी शैलजा आती है तो जी कुमारी शैलजा का यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं 2009 से पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे हैं, उनकी जी अच्छी बैठ रहे गहरी हैं मित्रता है, जी तो बिल्कुल और अच्छी पकड़ है, इसका लाभ मिलेगा। जी अपना उकलाना विधानसभा है, उसका खुद का अपना कुमारी शैलजा का है, टोहाना है, टोहाना का अपना है और रतिया है, जी ये तो बिल्कुल क्लोज है सर। और अभी तक दूसरी पार्टियों ने पत्ते खोले नहीं। जी अगर इसमें देखें तो 6 बार में टोटल 8 बार इसमें कांग्रेस जीती है और एक एक बार अदर अदर दूसरे जीते हैं। अगर डबलिंग की बात करें तो अपने कुमारी शैलजा वो 2 बार, उनके जी फादर 4 बार और सुशील इंदौरा 2 बार, जी जी ये जी रिपीट हुए हैं सर। जी 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 सर, और यह निश्चित तौर पे नरवाना विधानसभा से अच्छे मार्जिन से बीजेपी को हराएंगे। जी जी गुदारा जी, अगर शैलजा सरसा में नहीं आती हैं, उसके बाद जो नाम चल रहे हैं उसमें जरनैल सिंह या फिर रोडी, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ गुदारा जी, हाँ बताइए। अभी साथी सेंद्र पंडित जी ने कहा नरवाना के दाता सिंह वाला से लेके गग्गर के साथ साथ होते हुए राजस्थान के बॉर्डर एलनाबाद के पास जी, तो सारा किसान बेल्ट आ जाते हैं। पिछले दिनों लाठी चार्ज और किसानों में अब भी भाजपा के प्रति गुस्सा है जी। और आप अभी मोदी लहर की बात करें, मोदी लहर के साथ ही अशोक तंवर की भी बात आती है। पीछे अब उनका लगातार जब कांग्रेस में थे तो स्थानीय जो नेता थे कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था। जी जी आपके जो बिजली मंत्री है आज हिसार से लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी है जी, उनका भी उन्होंने टिकट कटाया था। तो सिरसा में जो बचे भाजपा है और दूसरे नेताओं से, स्थानीय नेताओं से अशोक तंवर के कोई बढ़िया मधुर संबंध नहीं है और इसके कारण जैसे आप बार बार मोदी का नाम ले रहे, इसी तरह उनकी भी छवि कोई ज्यादा अच्छी छवि यहाँ नहीं मानी जा सकती। दूसरा आपने कहा अगर शैलजा नहीं आती तो दो सिख चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं, चरणजीत सिंह रोड़ी जो आजकल शैलजा खेमे में है और रतिया से जरनैल सिंह जो हुड्डा खेमे से है। जी जी जी, यहाँ सिख चेहरा भी एक बड़ा रोल करता है। आप जहां नरवाना छोड़ के निकलोगे तो टोटल ये जो बेल्ट है ये सिख बाहुल्य आती है जी। और दूसरा दूसरा आपने बात कही सुनीता दुग्गल जिस वर्ग से उनकी टिकट काटी गई है उस वर्ग में भी भाजपा के प्रति निराशा देखी जा रही है। जी तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है अशोक तंवर अगर कांग्रेस के शैलजा नहीं दूसरे उम्मीदवार आते हैं तो अशोक तंवर के लिए नैया आसान नहीं है। जी 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 असिया जी, जरनैल सिंह रतिया से आते हैं, जरनैल सिंह उनका बार बार नाम आ रहा है, तो वो इतने प्रभावी हैं? जी जरनैल सिंह का रतिया में अच्छा, कई बार विधायक रहे हैं कांग्रेस में, इनेलो से विधायक रहे हैं, वो हुड्डा के साथ हैं, उनका टोहाना में, रतिया में, फतेहाबाद में अच्छा प्रभाव है, लेकिन इससे ज्यादा चरणजीत सिंह रोड़ी के है। असल में उस केसधारी है और केसधारी हमारे यहाँ उनका अच्छे वोट है सरदारों के, सिखों के, तो इन दोनों में एक जीत एक फर्क पड़ेगा कांग्रेस का, लेकिन शैलजा सबसे मजबूत प्रत्याशी रहेगी इन दोनों में। जी 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 धर्मवीर जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो सरसा की सियासत है वो हमेशा अलग रंग दिखाती रही है, क्योंकि एक ऐसी सीट जहां चौधरी दलबीर सिंह खासा प्रभावी माने जाते थे, कुमारी शैलजा खासी प्रभावी मानी जाती रही हैं, इसको इनेलो का भी गढ़ कहा जाता है और केशधारियों का भी गढ़ कहा जाता है, एक कमो बरादरी की सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार ये रंग बदला हुआ है इस सीट का। पंडित जी देखिए, खासकर इस समय प्रदेश की दलित राजनीति में एक पिछले दो प्लान में विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो बीजेपी ने एक बड़ी प्लान तरीके से एससी और बी वर्ग को जो है
ये इनका जो बीच का डिवीजन था वो बिल्कुल इन्होंने साफ किया, और इन्होंने बहुत से जो है जो भी जो एससी के अंदर जो कैटेगरी थी उसके कई नेताओं को जो इन्होंने उभारने की कोशिश की जी। तो उस स्थिति में जो है मुझे लगता है कि ये अपना जो आपकी सिरसा की मौजूदा सांसद है ये भी एससी बी वर्ग से ही आती थी, इधर शाहबाद से जो है बेदी को इन्होंने वो किया, और उसके बाद में देख रहा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा इस वर्ग के अंदर एक बड़ा उभार था कि हमारा एक जो है एक स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पे जो है हम एक क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं जो एक भजनलाल के समय में जो ऐसी जो आरक्षण में भी जो उन्होंने ए और बी कैटेगरी की थी तो उस कैटेगरी जिसको बाद में खत्म कर दिया गया था, लेकिन अभी इस वर्ग में एक उम्मीद थी कि शायद हमें जिस तरह से राजनीतिक तौर पर हमें महत्व दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन में भी दिया जाएगा। तो लेकिन अभी इस बार जो है वो टिकट बंटवारे में मुझे लगता है कि वर्ग के अंदर एक नाराजगी है, तो अंबाला या सिरसा में से जो है इनका ये था कि कहीं ना कहीं हमें एक लोकसभा सीट में जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो मुझे लगता है कि एक तो इस चुनाव में जो है वो ये फैक्टर काम करेगा वो अंबाला में भी और सिरसा में भी, क्योंकि अंबाला में भी मैं देख रहा हूँ कि इस वर्ग के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब में इस चीज को लेकर एक नाराजगी है, और जो इनकी वाल्मीकि शिक्षण समितियां या इस तरह की कई अन्य जो सामाजिक समितियां बनी हुई थी उनमें ये एक चर्चा का विषय है कि हमें शायद दो प्लान यूज करके छोड़ दिया गया और अल्टीमेटली कांग्रेस की तरह बीजेपी भी जो है इसी वर्ग में ही अपना वो तलाशेगी, तो इसलिए सिरसा में मुझे लगता है एक ये फैक्टर भी शायद काम करेगा, और कांग्रेस अगर टिकट बंटवारे में अगर इस पर्टिकुलर फैक्टर को अगर देखेगी तो मुझे लगता है कि उनको वेटेज मिल सकती है, अगर सिरसा वहां से चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस को जो है ये फैक्टर देखना चाहिए, ये उनको कांग्रेस को इसका वेटेज मिलेगा, क्योंकि दलितों के अंदर माइनूट काम अभी अंबाला में भी देखिए, अंबाला में इवन ऐसी ए वर्ग के अंदर भी रामदासिया और रविदासिया ये फैक्टर काम करता है, उनमें भी रहता है कि अगर रामदासिया को टिकट मिला है या रविदासिया को मिला है, तो जब इतने माइनूट तरीके में ये फैक्टर वहां काम करता है दलितों के अंदर तो ए और बी वर्ग में तो ये और जो है ये डिवीजन है और गहरा हो जाता है, तो बीजेपी ने जो है टिकट बंटवारे में दोनों जगह ही जो है वो इस ए वर्ग के ऊपर अपना दाव खेला है, तो कांग्रेस को देखो सिरसा क्योंकि अगर शैलजा दोनों जगह से कहीं भी नहीं लड़ती है जैसा कि चर्चा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कल या परसों एक जगह ओपनली एक तरह का चैलेंज भी दिया है कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए लोकसभा का, तो अगर उस चैलेंज के बावजूद भी अगर शैलजा नहीं मैदान में उतरती है तो फिर कांग्रेस को जो है किसी दूसरे नेता को टिकट देते समय मुझे लगता है कि इस पे शायद कांग्रेस के अंदर भी ये मंथन होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुगबुगाट सोशल मीडिया पे है, तो शायद कांग्रेस इस फैक्टर को यूटिलाइज करेगी ऐसी ए और बी वर्ग का जो डिवीजन है इसको लेकर। यह तो साफ है कि अशोक तंवर की नैया अभी मजदार में है, एकमात्र उनकी उपलब्धि अभी तक यह है कि वो भाजपा में जाने के बाद टिकट लेने में कामयाब रहे, जिसमें हिसार से कुलदीप बिश्नोई असफल हो गए, लेकिन चुनाव जीतना और चुनाव की रणनीति बनाना अभी बाकी है, अभी वो केवल भाजपाइयों से मेल मिलाप में लगे हैं, आगे रणनीति क्या बनती है, भाजपा किसे उतारती है, चुनाव कितना रोचक होता है, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। नमस्कार।